अभी हम सतरंगा रोड में चल रहे हैं। कोरबा से सतरंगा की दूरी 40 किलोमीटर पड़ती है। बीच में बहुत ही अच्छी जगह अजगर बहार पड़ता है। दोस्तों, अभी हम सतरंगा जाने के रास्ते में बीच में पड़ने वाले एक जगह है अजगर बहार का, तो फोटो शूट और लोकेशन के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पास आप रुक के बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं और फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। बस ये इस तरीके से पानी बह रहा है, बहुत बढ़िया नज़ारा। और इधर पत्थर के बीच में बैठ के फोटो सेशन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो नजारा है, फोटो सेशन के लिए बेहतरीन जगह। अब हम सतरंगा की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से इंटर करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप, दो इसमें गेट दिख रहा है। इस तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं, इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो मेन जाने के लिए जो है वो इधर से है, टिकट घर जो लिखा है उस तरफ से हम लोग जाएंगे और फिर गाड़ी का टिकट कटा के हम लोग अंदर चलते हैं। आइए, ये टिकट काउंटर का दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके है। यहाँ पर टिकट कटा के आगे अब हम लोग को बढ़ना है। मेन गेट से घुसने के बाद सबसे पहले हमें नज़र आता है तो है महादेव पहाड़। ये जो पीछे देख रहे हैं, ये महादेव पहाड़ है और सतरंगा के हर एरिया से ये दिखता है। ठीक, आगे हम और कैप्चर करते हैं, तो आइए चलते हैं। अब हम मेन गेट से चलते हैं। यहाँ बगल में सतरंगा का पर्यटन स्थल और विश्राम गृह बना हुआ है, जहाँ पर्यटक रुक सकते हैं। संडे के दिन बहुत भीड़ रहता है। नौका विहार के लिए, जल विहार के लिए यह जगह ठीक है। यहाँ से आप जैसे बोटिंग करना है तो कर सकते हैं। सतरंगा का है और छत्तीसगढ़ में रहते हुए अगर समुद्र का मजा लेना है तो उसके लिए सतरंगा आप आ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जगह। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, मतलब तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट है पानी के ऊपर। यहाँ पर आप
पार्टी कर सकते हैं और 30 लोगों की बैठने की व्यवस्था है यहाँ। इसके लिए आपको इसे बुक कराना पड़ता है और यहाँ पार्टी कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। बोटिंग के लिए भी यहाँ पर पूरा व्यवस्था है उसका। बोटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचाना चाहें खिंचा सकते हैं। यहाँ कई बार फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। सतरंगा आएंगे तो आपको फिल्मों की शूटिंग अक्सर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जगह ही इतना सुंदर है कि इस जगह पर फिल्म एल्बम की शूटिंग होते रहती है और हमेशा पर्यटक रहते ही हैं। ये सतरंगा का सबसे खास बात है। एल्बम की शूटिंग चल रही है, देखिए। आइए अपने दोस्त इन लोग से मिलते हैं। हेलो मैडम। हेलो सर। ये है चंचल मैडम और ये है पप्पू सोनी जी। इनका जो एल्बम आ रहा है छत्तीसगढ़ी एल्बम कवर सॉन्ग, उसका नाम बताएंगे? देख न संगी मोर। हाँ, देख न संगी मोर, ये वाला प्यार में पड़ गया। देख न संगी मोर तो प्यार में पड़ गया हूँ मैं। इसको लाइक कीजिएगा और जरूर देखिएगा। और अपने दोस्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं यही कहना चाहूंगी कि सर का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सतरंगा आने के बाद में आप यहाँ के जो व्यंजन है उसका भी स्वाद यहाँ उठा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये सब जो रेस्टोरेंट है ये सतरंगा पर्यटन विकास समिति द्वारा संचालित है। यहाँ आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, चाइनीज व्यंजन उपलब्ध हैं। और इसी के जस्ट सामने ही
सतरंगा का जो बोट क्लब और रिसॉर्ट का गेट है। अभी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ का बोट क्लब और रिसॉर्ट का ई उद्घाटन किया है, ई लोकार्पण किया है। ये देखिए रिसॉर्ट है, यहाँ बाहर से आके ठहर सकते हैं। इसका बुकिंग यहाँ के जो वेबसाइट है उसमें से कर सकते हैं। ये अंदर का नज़ारा है। ये जो आप देखा जी पहले आइए और पहले से जगह कैप्चर कर लीजिए, फिर आपको जगह मिल जाएगा पिकनिक बनाने के लिए।